और चलिए बधाई लिए चलते हैं आपको जहां इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम संबोधित कर रहे हैं। ये कन्नौज है, यानी इन सभी जनपदों में भी नए प्लांट स्थापित होने जा रहे हैं। एक प्लांट पर 50 एकड़ जमीन चाहिए, लेकिन 130 से लेके 150 करोड़ रुपए का निवेश भी होगा और जब प्लांट बनकर के तैयार होगा तो लगभग 100 नौजवानों को नौकरी भी उसमें प्राप्त होगी। लाखों किसान उसके माध्यम से सीधे उनकी आजीविका में वृद्धि होगी और उनकी आमदनी बढ़ेगी, जिसके कारण स्मॉग जैसी समस्या का समाधान होगा। आपने देखा होगा एक प्लांट बनेगा, यह 14 मीट्रिक टन कंप्रेस्ड वायु गैस बनाएगा और 65 मीट्रिक टन इससे कंपोस्ट बनेगी। ये 8 प्लांट जब आप काम करने लग जाएंगे, 1,37,47,000 एकड़ खेती की समस्या का समाधान भी करेंगे। जो अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करते हुए हमने खेती को अधिक से अधिक जहरीला बना दिया, किडनी फेल हो रही है, लीवर फेल हो रहे हैं, कैंसर जैसी बीमारियां आ रही हैं, इसका समाधान आज जिसको प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती कहा, जैविक खेती कहा, उस जैविक खेती के लिए जो केमिकल फ्री होगा उसके लिए कंपोस्ट देने का काम भी ये प्लांट उपलब्ध कराएगा। जिसको आप वेस्ट कहते थे, अब वो वेस्ट नहीं, वो वेल्थ का काम करेगा। और यही प्रधानमंत्री जी का विजन है कि कुछ भी वेस्ट नहीं, केवल हमारा विजन किसी को अच्छा और बुरा बनाता है, हम उसको किसानों की समृद्धि के साथ जोड़ करके उसको वेल्थ में बदलने का काम करेंगे। कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट उसी एक नई श्रृंखला को चलने का और युग परिवर्तन का कारण बनेगा। इस दृष्टि से बधाई वासियों को मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं और उत्तर प्रदेश में 8 नए प्लांट का यहां पर आज शिलान्यास हुआ है, इसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी को हृदय से धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आज नए भारत का नया उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है। ये नया उत्तर प्रदेश, इसमें समृद्धि भी है तो सुरक्षा भी है, सुशासन भी है तो सुव्यवस्था भी है। 424 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम एक साथ यहां पर संपन्न हुआ है, यानी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के अतिरिक्त ये यहां की अलग अलग विधानसभा, बदायूं है, विलसी है, दातागंज है, इन सभी विधानसभाओं से जुड़े हुए विकास के कार्यों का, कनेक्टिविटी का भी है, हेल्थ का भी है, एजुकेशन का भी है, पेयजल की समस्या का भी है और जीवन से जुड़े हुए उन सभी चीजों से है जो एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन का कारण बन सकता है, उसके उसके जीवन में समृद्धि लाई जा सकती है, किसानों के जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। भाइयों बहनों, आज से 6 वर्ष